पे शुरुआत हुई है। अगले दो मिनट इस सर्वर के अंदर आपको बैक टू बैक देखने के लिए मवी ने भाई पे मैक्स कार्ड को नॉक कर दिया, नकुल भी यहाँ पे गेम से बाहर होते हुए दिखेंगे। अभी के लिए अल्ट्रॉन इज ट्राइंग टू कलेक्ट सम मैप इन्फो कि अगर किसी को स्पॉट कर देते अपने प्लेयर्स को अलर्ट कर दे कैन एग्जीक्यूट अ प्लान अकॉर्डिंग टू इट। बट अभी बबलू एंड टीम रेकनिंग दे होल्डिंग अ नाइस रेज, उनको एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होगा अनटिल अनलेस यहाँ पर स्काउट एंड को जो उनकी टीम एक्सपा है वहां पे कुछ वेल एग्जीक्यूटेड नेड्स मारती है और हिल के जस्ट ऊपर एनिग्मा है। एनिग्मा कैन लिटरली स्पॉइल द गेम फॉर रेकनिंग बट मवी इस प्लेइंग एग्रेसिव काफी आगे जा चुके। डेस्टो ने वहीं पे सवितार को कर दिया नॉक, सर्कल ने फिर से हार्ड शिफ्ट लिया है। सीजन 5 ट्रस्ट मी गेम 1 से ही धमाकेदार एंट्री अगर बारा है। काउट अब प्रेशर में बहुत ज्यादा है क्योंकि मवी ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। हाँ स्मोक है जरूर बट अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर ये एंगल कौन चेकआउट करेगा? तो स्काउट को अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, अल्ट्रॉन वो वेट कर रहा है कि जैसे ही कोई भी प्लेयर आगे बढ़े वो पहले प्लेयर हो जो कि यहाँ पे कनेक्शन ढूंढ पाए। स्काउट के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा काम आसान कर दे, लेब्रॉन के ऊपर एचपी ऑलरेडी आपको रिड्यूस होती है दिख रही है, इसका मतलब एनिग्मा की तरफ से शॉट्स पड़ रहे हैं। रेकनिंग आगे बढ़ेगी, बबलू के ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा और अब यहाँ पे टीएक्स के लिए मुसीबत है क्योंकि रेकनिंग अपना रास्ता ढूंढ रही है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। अल्ट्रॉन एक अच्छा खासा कवर था जरूर, उसका फायदा उठाएंगे बड़े प्यार से यहाँ पे पहले प्लेयर को डाउन करने सक्षम होंगे और स्काउट जैसा बोला पीछे से कवर बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी तरफ से फिनिश कर लिया जाएगा। पहला फिनिश निकला है टीम एक्सपा के लिए, खाता फाइनली खुल चुका है। टॉप 7 के अंदर आपको यहाँ पर हर एक टीम दिखेगी और टॉप 7 की बात करें तो 7C की भी बात करते हैं। 4 फिनिशर्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस टीम के और जैसे ही टीएक्स अपनी रोटेशन शुरू करेगी 7C के पास बहुत प्यारा मौका है कि उनको उसी पॉइंट पे टेकडाउन करे और स्प्रे गॉड इस चीज का फायदा उठाएंगे, स्काउट को डाउन करने सक्षम होंगे। एनिग्मा दे आर हैविंग अ वेरी गुड एरिया और बढ़िया तरीके से यहाँ पे हर एक एंगल चप्पा चप्पा छान मारने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली इट इज यहाँ पे जैसे टीम एक्स ने अपनी यहाँ पर टीम एक्स पार्क ने जो मूवमेंट दिखाई देना इट वॉज गुड बट आखिरी में काफी अनफॉर्चुनेट था। 7C के सामने से रोटेशन कर रहे थे, स्काउट को इंस्टेंटली गाड़ी से गिराकर नॉक कर उनको गेम से बाहर निकाला। मवी ने वहीं पे अलादीन को पनिश कर एक करारा जवाब दिया। यहां पे सवितार भी गेम से यहां पे बाहर होते हुए अब 3 पेज के साथ ये जर्नी एक्सपा को आगे बढ़ानी पड़ेगी। सर्कल की तरफ अप्रोच, एनिग्मा की जो एगी है इनके पास एक अच्छा खासा मिल जाता है तो उसके बाद एक नई अप्रोच बनाएंगे फाइट के लिए। जस्टिन ने वहीं पे हाइड्रा के जेसन को गेम से बाहर निकाला, डेल्टा पीजी का नेड मवी और 420 को निकालकर गेम से कर रहा है यहाँ पे नॉक। अभी एक सर्वाइवर है, अल्ट्रॉन काफी ज्यादा दूर है बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर जो टीम एक्सपा के प्लेयर है इनको रिवाइव देना किसी भी हद में पॉसिबल होगा। केमिन वेयर दे स्टार्टेड वेयर दे आर, मैंने बोला था प्री सेगमेंट के अंदर इन टीम की इस टीम की जो रोटेशन है वो माइंड ब्लोइंग है और वहीं पर इवो ने यहाँ पे अल्ट्रॉन का जो फिनिश था वो यहाँ पे कंफर्म करा और डेल्टा पीजी को भी अपने दो जो कर देती है। दिस कुड बी द गेम जो कि बहुत बड़ी साबित होगी क्योंकि एंगल बहुत अच्छा उनके पास। अब यहाँ से बस कुछ बढ़िया स्प्रेज की जरूरत है। फाइनल बॉस यहाँ पे डाउन कर देंगे ब्रॉलर के डार्क को, अब ब्रॉलर के प्लेयर्स ओपन में आएंगे और जैसा बोला एक से बस एंगल बहुत प्यारा, दे हैव द हाइट एडवांटेज। सारी की सारी टीम ओपनली सर्कल के नेटा करेगी, करना क्या है प्रेस देनी है, फिनिशेस सिक्योर करने हैं। माइट भी हो सकता है ब्लाइंड के प्लेयर्स आपके फिनिशेस स्टील करने के लिए बाहर निकले तब आप उनके ऊपर स्प्रेस दे सकते हैं बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी वेरी गुड एंगल। लेकिन जनाब नजरें हल्का लेफ्ट राइट कीजिएगा क्योंकि एनिग्मा के प्लेयर्स भी सर्कल के अंदर एंटर करना चाहते हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रोटेशन सर्कल के थ्रू। यहां पे रिवेंज के प्लेयर्स फिनिशर दिखेंगे और जब प्लेयर्स फिनिश होंगे प्लेयर्स सिक्योर होंगे तो इसका मतलब फिनिशेस ऑटोमेटिकली टीएक्स के नाम पर पड़ते दिखेंगे। 3 फिनिशर्स हो चुके, अब यहां पे ब्लाइंड के प्लेयर्स एंटर करना चाहते हैं। 420 स्पॉट किया लेकिन साथ साथ कॉल आउट छूट दे चुके होंगे। अगर टू एंगल से एक साथ स्पेस पड़ेगी महज कीजिए, यहाँ पे दो एंगल से स्प्रेस पड़ी, आई डोंट नो ब्लाइंड के प्लेस पर क्या करें क्योंकि जब वो एक एंगल चेकआउट करेंगे लीजिए ग्रेनेड्स भी यहाँ पे आने से हो चुके। टीएक्स पूरे तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में रख रही है, स्काउट की स्प्रे फाइनल बॉस को भी टेकडाउन करेगी। 4 टीमें 12 खिलाड़ी, रेक्स की तरफ से के लिए भी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ब्रॉलर्स वहां पे बिल्कुल ब्लाइंडली वो लोग निकले थे एंड उनको पता भी नहीं था कि राइट हैंड साइड पर ब्लाइंड का स्क्वाड बैठा भी हुआ है, उन्होंने बिल्कुल एनालाइज नहीं करा था आई डोंट थिंक सो। बट एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे जाएगा 420 ओपी का, रेज को भी निकाल के जाएंगे एंड इसी के साथ ब्लाइंड के स्क्वाड का एलिमिनेशन हो चुका है। स्काउट वहां पे चली को लॉकडाउन करेंगे, देयर यू कैन सी अ रिटेलिएशन फायर कमिंग अप बाय आदित्य। अब देखते हैं वनर्स की फाइट है अगेन, अल्ट्रॉन निकाल के जाएंगे वाली फाइट। अब 420 और अल्ट्रॉन के ऊपर वाला बाहर रहेगा पूरा। अब क्या यहां पे आदित्य निकालेगा, आदित्य टेक्स डाउन अनदर वन, आतंकी वर्सेस 420 यहां पे ये वाली फाइट होती नजर आएगी। बट पीछे से आतंकी प्लेयर्स फिनिश कर देंगे एनिग्मा के 2 प्लेयर्स मैच बचे हुए इस वाले मैच को अपने लिए निकालने के लिए। बट टीम केमिन दे डोंट हैव टू वरी अंटिल लेस सर्कल उनके अगेंस्ट में कट जाएगा तो प्रॉब्लम होगी बिकॉज अगर लेट्स सपोज अपर जोन की तरफ आता है बट उतनी देर में ब्लेज ने यहाँ पे पार्टी स्टार्ट कर दी है। टीम
टीम एक्स पार्क के लिए प्रॉब्लम होगी, स्काउट और अल्ट्रॉन दोनों नॉक है, मर्वी एंड 420 दे आर ट्राइंग टू अप्रोच, बट वहीं पे टीएसएम दे आर नॉट स्टॉपिंग एट एनी कॉस्ट, एक्विनॉक्स गेटिंग वन मोर नॉक एंड इसके साथ शैडो भी आगे बढ़ेंगे, स्काउट की तरफ बढ़े, दे वांट टू कंफर्म इट, बट पीछे जस्ट पीछे मवी है, मवी का नॉक काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है यहां पे, मवी ने यहां पे रिटेलिएट किया, नॉक तो दे दिया बट एक्विनॉक्स ने यहां पे मवी को नॉक कर दिया, अब निंजा जॉट ने यहां पे अभी टारगेट ले लिया 420 पेड़ के पीछे, क्या वो यहां पर अपनी टीम से कुछ कर पाएंगे, ही इज ट्राइंग टू पीक बट निंजा जॉट शुड रियलाइज कि उनकी टीम का एक पेड़ गेम के बाहर हो चुका है, एक पेड़ दो पेड़ उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको यहां पे कवर पाए देने के लिए, 420 पे बिल्कुल स्लैमिंग करने की कोशिश, अगले कुछ सेकंड में मेरे ख्याल से 420 का यहां पे गेम से खत्म कंफर्म हो जाएगा और पहली टीम इस मैचअप से एलिमिनेट होती है, दैट इज टीम एक्सपार्क, अनफॉर्चुनेट दैट दे हैड टू स्ट्रगल, दे हैड टू फेस, दे हैड टू ड्यूल अगेन टीएसएम, बट बोथ टीम प्लेड वेल, अच्छे नॉक्स गिरे, आखिर में इट वॉज टीएसएम जिन्होंने अच्छे चार फिनिशेस कलेक्ट करे और yeah.